दोस्तों, जब भी हम फ़ोन नया नया खरीदते हैं या फिर हम अपने फ़ोन को किसी भी रीजन से रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करता हूं, तो यहां पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। यहां पर ये कह रहा है कि आप पहले प्ले स्टोर की आईडी बनाइए, फिर उसके बाद आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। और यही नहीं दोस्तों, जैसे ही मैं YouTube में जाता हूँ और YouTube में जाने के बाद यहाँ पर जो है मैं किसी भी वीडियो को लाइक करने के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। अगर मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है अकाउंट, एड अकाउंट। अगर बाई चांस मैं कमेंट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर फिर से इसी तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यानी कि आपको प्ले स्टोर की आईडी पहले बनाना पड़ेगा। अगर आप जो है ना प्ले स्टोर की आईडी नहीं बनाओगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे और ना ही आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को लाइक कर पाओगे और ना ही सब्सक्राइब कर पाओगे और ना ही आप जो है किसी वीडियो में कमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर की आईडी बना लेना है। तो आपको कैसे बनाना है प्ले स्टोर की आईडी, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइन इन का बटन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं जो है साइन इन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेकिंग इन्फो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर जो है आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, फॉर माई पर्सनल यूज। ठीक है, चलिए मैं इस पर जो है क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नेम डाल देना है। ठीक है, आप जो है अपने जो है जीमेल आईडी का या फिर आप अपने जो है प्ले स्टोर आईडी में क्या नाम रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर जीमेल आईडी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, फर्स्ट नेम, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट नेम भीम, और यहाँ पर सर नेम ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम में ही भीम राज यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा जेंडर, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप पुरुष हो, महिला हो, क्या हो। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं मेल पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट का बटन, तो यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर चूज हाउ यू सेल साइन इन, यानी कि यहाँ पर आपको जो है जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप नाम ट्राई कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं भीम राज 123 मैं इतना डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए दैट यूज़र नेम इज़ टेकन, यानी कि ये लिया हुआ है किसी ने। ठीक है, भीमराज 123 किसी ने लिया है, तो मैं यहाँ पर जो है दूसरा ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरा डाल दिया है, यहाँ पर आप लोग देखिए भीमराज डेमो 123। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और, अगर आप जो है मोबाइल नंबर का यूज करना चाहते हो तो यूज मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के भी आईडी बना सकते हो, बट यहाँ पर जीमेल बनाने से बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर जो है आपका यूज़र नेम जो है अवेलेबल रहेगा तो ऑटोमेटिक इस पेज पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, आपको ऐसा पासवर्ड डालना है जो कि आपको याद रहे, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर नीचे यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट रिव्यू के लिए कहेगा कि आप पहले देख लीजिए अपने अकाउंट को, रिव्यू कर लीजिए कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है प्राइवेसी एंड टर्म्स का पेज ओपन हो जाएगा, जिसे आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको आई एग्री पर क्लिक करना ही पड़ेगा। आई एग्री पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर पेज लोडिंग होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए गूगल सर्विस की तरफ से एक जो है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नहीं एक पेज आ जाएगा, तो आपको सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर आप लोग देखिए प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और चलिए मैं आपको यूट्यूब में चल के भी दिखा देता हूँ। आप किसी भी वीडियो को अब लाइक करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइक हो जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे वो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं अपने वीडियो को प्ले करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए ऐड आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए मैं इस ऐड को जो है कट कर देता हूँ। कट करने के बाद देखिए अब यहाँ पर जो है आप लोग लाइक देखिए कितना लाइक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लाइक 69 लाइक है अभी, और जस्ट मैं यहाँ पर लाइक पर क्लिक करता हूँ, देखिए 70 लाइक हो गया। सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ, देखिए चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। और कमेंट भी मैं करूँगा ना तो कमेंट भी हो जाए, कमेंट भी जो है यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कमेंट करने के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। तो घुमा फिरा के जब आप प्ले स्टोर की आईडी बना लोगे तो आप अपने फ़ोन में सब कुछ ईजिली कर पाओगे। तो इस तरीके से आप जो है प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।